मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को सितंबर तक मिलेगी 5 किलो फ्री राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना अन्न योजना। अन्न योजना नाम से ही समझ में आ रहा है, अन्न खाना राइट, राशन प्रोवाइड कराने वाली है स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस स्कीम को मोदी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। तो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 6 महीने यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। पांचवा फेज इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एंड होना था मार्च 2022 में, अब इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है पूरे दुनिया भर का, ये सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में इसे लागू किया गया था 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो कोरोना वायरस के समय पर आपको पता है गाइस, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, उसी समय सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया जिसमें फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे अफेक्टेड पॉपुलेशन को। अफेक्टेड जो फंसे हुए लोग हैं, स्ट्रेंडेड लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाना खिलाना है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय पर गरीबों को मदद की जा रही थी, गरीबों की हेल्प की जा रही थी। और इस पूरी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, नोडल मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इनिशियली इसे मात्र 3 महीने के लिए अनाउंस किया गया था, अप्रैल मई जून 2020 के लिए। इसमें कवर किया गया था 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर को, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको इसके अंदर कवर किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ना ही सिर्फ राशन कार्ड यार, जो लोग फंसे हुए थे उनको भी खाना मिल रहा था, इस स्कीम के तहत खाना मिल रहा था। और काफी सारे लोग यार, आपको बताए कोरोना वायरस के समय पर काफी सारे लोगों ने बहुत मदद करी, बहुत, जैसे कि आप लोगों ने भी मदद करी होगी राइट। अगर आपके पास खुद खाने की अवेलेबिलिटी होगी तो आपने अपने घर में जो वर्कर्स आते हैं आपके, आपने उनको खिलाया होगा, अपने परिवार के लोगों को भी भेजा होगा, आसपास के पड़ोसी लोगों को भी सब्जियों की व्यवस्था करवाई होगी। मेरे को तो याद है मेरे फादर जो है मंडी जाते थे तो आसपास के पूरे सभी लोग के लिए सब्जी लेके आ जाते थे, लो लो सभी लोग, मतलब पूरी कॉलोनी के लिए एक प्रकार से जो है मान के चलिए, जितने भी अपने पहचान वाले लोग हैं सबको फोन कर करके आपको क्या चाहिए बताओ, जरा हम जा रहे हैं लेके आ रहे हैं, ये होती है मदद। और आप लोग तो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, कल को आपको तो ये सिविलियंस के लिए काम करना ही है राइट, पूरी तरह से, तो कल पर क्यों छोड़े यार, आज की रेट के ही ऑफिसर हो आप। देखो ऑफिसर का ठप्पा लगना है आपको एग्जाम को क्रैक करके, बट क्वालिटी ऑफिसर की आपको डेवलप करनी है। बट इट डजंट मीन कि अपना टाइम वेस्ट करके समाज सेवा करो, समाज सेवा तब करना जब आप खुद जो है वो अचीव कर लो एक पद। अभी करने लगोगे तो लोग आपकी सिर्फ मुंह पर जो है वो, जैसी लोगों को सामान मिलेगा तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट जिस दिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तो लोग आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों में दम रहोगा। अभी आप बोल लो, किसी को भी भाषण दे दो, लोग एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। जब आप ऑफिसर बनोगे तो सुनेंगे भी समझेंगे भी और करना उनको पड़ेगा, ना ही सिर्फ आपकी फैमिली के लोग बल्कि सभी लोग। आज की डेट में नहीं देता होगा कोई आपको फैमिली में महत्व, बोलता होगा कि अरे छोड़ो यार, इग्नोर कर देते होंगे काफी सारे लोग, काफी सारे फैमिली मेंबर बड़े जो होते हैं ना, अपने मामा चाचा दादा ये वो ऐसे वैसे जो फैमिली मेंबर्स राइट, तो आपको इग्नोर करते होंगे, बोलेंगे अरे हाओ बन लिए ये आईएएस आईपीएस, मजाक उड़ाते होंगे। जिस दिन बन जाओगे ना उस दिन यही लोग होंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो वेट फॉर द डे, मेहनत करते रहो तो आपको मिलेगा सक्सेस, आपको मिलेगी, मेहनत कर रहे हो सक्सेस मिलेगी, बट इग्नोर करो ये सब चीज़ें, ये फालतू लोग जो बोल रहे हैं ना इन बातों को इग्नोर करो, क्योंकि आपको पता है आप बनोगे। और ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, चुपचाप रहकर अपनी तैयारी करो शांति से। लोग हंसी उड़ा रहे, हंसी उड़ा दो, आप भी हंस लो उनके सामने, बोलो कि हाँ यार ठीक है यार, इग्नोर एंड डू योर टास्क, अपने टास्क रेगुलर कंप्लीट करो, रेगुलर अपने टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको तरक्की तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, मुझे आप पे विश्वास है कि आपको मिलेगा। अब 80 करोड़ लोगों यानी कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की 2/3 आबादी जो है उसको हेल्प की जा रही थी इस स्कीम के तहत, उनको राशन प्रोवाइड किया जा रहा था। ना ही सिर्फ इतना, इंश्योरेंस भी दिया जा रहा था 50 लाख रुपए का हर एक हेल्थ वर्कर को जो कोविड-19 के से लड़ रहे थे राइट। तो इंश्योरेंस स्कीम भी इसके तहत जो है वो लॉन्च कर दी गई थी। 80 करोड़ गरीब लोग जो है उनको 5 किलो चावल या फिर जो गेहूं बीट राइट, 1 किलो पल्स यानी कि दाल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर महीने जो है वो प्रोवाइड किया जाना था 3 महीने के लिए, बाद में जाकर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अभी तो फिर ये सितंबर 2022 तक एक्सटेंड हो गई है।
20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट होल्डर, इनको 500 रुपए हर महीने इनके अकाउंट में दिए जा रहे थे। मनरेगा की जो वेजेस है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस स्कीम को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा। इसके तहत जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं राइट वर्कर्स को, 202 रुपए एक दिन के प्रोवाइड किए जा रहे थे। पहले जो मिल रहा था 182 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था, इसको बढ़ाकर 202 रुपए जो है वो पर डे कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और इससे 13.62 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट मिला। 2000 रुपए भी फार्मर्स के अकाउंट में प्रोवाइड किए गए, तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल की गई। 26,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया फूड सब्सिडी के ऊपर इस स्कीम के तहत। बट इस स्कीम में कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चुनौतियां हम लोग को देखने को मिली थी, जैसे कि मेन इशू ये था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशियरी थे, जिन लोग को जिनका राशन कार्ड बना हुआ था, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग था, बट उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया गया और कहा गया कि और भी ज्यादा लोग जो है वो ऐसे इंक्लूड हो गए, ऐसे बढ़ गए हैं जिनको खाने की समस्या है, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, हंगर की समस्या से जूझ रहा है, तो आपने उन लोगों को कवर नहीं किया, तो काफी सारे लोग जो है वो इस स्कीम से भी वंचित हो गए थे। बट एक्चुअली काफी सारे रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि ना ही सिर्फ गरीबों को राशन प्रोवाइड किया गया, बल्कि जो लोग फंसे हुए थे, स्ट्रैंडेड पॉपुलेशन थे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आदेश देकर जो राशन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, फंसे हुए लोग जो लोग स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे, तो उन तक भी जो है वो पहुंचाया गया, सामान पहुंचाया गया। जैसे कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे राइट, आईपीएस वगैरह जब आप बनेंगे, आईएएस जब आप बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप ये नहीं देखेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, आप देखेंगे कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।